कि मतलब मैंने 7 आर्गुमेंट्स, 7 अगर आर्गुमेंट्स देनी है तो 2 घंटे तक मेरी 4 आर्गुमेंट्स कंप्लीट होंगी, और 1.5 घंटे तक मेरी 3 आर्गुमेंट्स कंप्लीट होंगी, और इसी तरह 2.5 घंटे तक मेरी 6 आर्गुमेंट्स कंप्लीट होंगी, और आखिरी जो 15 मिनट बचे पड़े होंगे तब सिर्फ मेरा कंक्लूजन रहता होगा। तो इस वजह से मैंने अपनी एक टाइम की बनाई हुई थी, और उसी हिसाब से मैं जो ऐसे लिख रहा था होता था, मैं देखता था कि मैं क्या उसके हिसाब से चल रहा हूँ, या मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मैं फिर थोड़ा स्लो जाता था और अपना राइटिंग इम्प्रूव कर दी, पॉइंट्स ज़्यादा ज़्यादा क्वालिटी उनकी इम्प्रूव कर दी, और अगर मैं स्लो जा रहा होता था फिर मैं अपनी वो फास्ट कर देता था ताकि अपनी मैं वो टाइम स्ट्रक्चर के अंदर रहूँ। तो इस तरह मैंने उसको मैनेज किया। टाइम इजीली मैनेज हो गया था, फुल एफ आपने कर लिया था टाइम में। बिल्कुल, मेरे तकरीबन 5 मिनट बच गए थे। मैक्सिमम पर मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट्स आपने लिए उसमें लिए थे फिर? यार उसमें कोई मुझे याद नहीं है, आई थिंक 8 लिखे थे मैंने। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर लिखा था, प्रोज एंड कॉन्स, तो 5 आर्गुमेंट्स मेरे ख्याल से उसके प्रोज में थे और 4 कॉन्स में थे, या 4 प्रोज में थे 3 कॉन्स में थे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन जितने भी थे ना मैंने उनको बराबर मैनेज टाइम डिवाइड कर लिया था। ओके फिर थोड़ा नोट्स मेकिंग की फर्क बता दें कि आपने वो लेंथ ही लिए थे या शॉर्ट लिए थे? नोट्स मैंने शॉर्ट ही बनाए थे, और मैं रिटन में मैंने नहीं बनाए थे, मैंने या वर्ड फाइल में बना लेता था या मैं उसके ऊपर अपने फोन में ही बना लेता था। उसके ऊपर मैंने एज सच लिख के बहुत निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नो बनाए, नहीं बनाए, और सिर्फ शॉर्ट बनाए, लेंथ ही मैं बिल्कुल ही नहीं गया। और इस्लामियात में सर आपने रेफरेंस दिए थे, मतलब अरेबिक जो होती है वो आपने कोट की थी इस्लामियात में, उसमें इंग्लिश में जो अरेबिक मैंने कुछ कुछ जगहों पे की थी जो मुझे वर्सेस आती थी, बल्कि ज्यादातर जगहों पे की थी मैंने, जो नहीं आती थी वो फिर सिर्फ इंग्लिश ही लिखती, लेकिन ज्यादातर जगहों पे की थी मैंने। सर इडियम्स और ये पेयर वर्ड्स भी आपने तैयार किए थे, याद किए थे इडियम्स और पेयर वर्ड्स, क्या उनको वैसे आप? या आपका थर्ड क्वेश्चन वैसे हो गया और वन क्वेश्चन पर पर्सन है, लेकिन चले मैं आपको बता लास्ट देता क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर। ओके हूँ जी। मैंने कोई याद नहीं किए थे, ना इडियम्स ना पेयर ऑफ वर्ड्स, 0। सर, थैंक यू सर। जी अनिला, अगर आपने क्वेश्चन करना है तो काइंडली अनम्यूट कर लें खुद को। हेलो, जी सर रमजान जी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन पहले रह गया था, मैंने पहले आपसे पूछा है सर, सॉरी मैं अब दोबारा को जो है ना माजरत तकलीफ दे रहा हूँ सर। दूसरा क्वेश्चन जो था मेरा वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में था, कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट है उसमें वेस्टर्न फिलासफर हैं और मुस्लिम फिलासफर हैं, तो अब इनको सारा जो सारे फिलासफर हैं करने चाहिए, या आपने स्मार्ट स्टडी के बारे में कहा है कि सिलेक्टिव कर लें जो मतलब के कुछ पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हाँ काइंडली सर यार, इस बारे में जो बता दीजिएगा थोड़ा। बिल्कुल यार, जो पास पेपर्स में जो रिपीट हो रहे हैं रेगुलरली, जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल, लॉक, हॉब्स, रूसो, जी ठीक है, सर, मॉन्टेस्क्यू, ये अब मेन यही है, जी ये सर, 5-6 वेस्टर्न हो गया जो इस्लामिक है, उनमें एक इकबाल हो गया, एक इब्ने खालदून हो गया, बस और तो कोई भी नहीं है। इनको अगर आप अच्छा प्रिपेयर कर लें तो हो जाता है, मजे से हो जाता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके। सर, क्या पाकिस्तान अफेयर्स के 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे? जी मैं आपको बता देता हूँ, एक तो रिफॉर्मर्स में से जो है शाह वली उल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपको टू नेशन थ्योरी अच्छी तरह आनी चाहिए, कि मतलब कैसे वो स्टार्ट हुई
सर सैयद अहमद खान के टाइम से लेके और 1947 तक कैसे वो चलती रही. सो इन लाइट ऑफ स्पीचेस ऑफ कायदे आजम एंड इकबाल, ये एक बहुत सेकेंड ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. उसके अलावा इस टाइम मुझे भी याद नहीं है. मैंने जो रिफॉर्मर से पहले जो मुगल्स हैं वो सारा मैंने स्किप किया था, उसमें से कुछ भी नहीं किया था. रिफॉर्मर्स में से शायद मैंने शेख अहमद से हिंदी किए थे और बस यही थोड़े से क्या इम्पोर्टेंट. उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस इम्पोर्टेंट है, वाटर क्राइसिस इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये 6-7 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बस. जी सखाउल्ला, आप काइंडली क्वेश्चन पूछें अगर आपने पूछना है. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम देखते हैं कि वो जनरल नॉलेज में इतने ज़्यादा टॉपिक हैं, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ में इतने टॉपिक आ जाते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में, फिर करंट अफेयर्स में इतने ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं, फिर ये हम जनरल साइंस देखें तो इसकी इतनी डायमेंशन हैं, फिर जनरल एबिलिटीज की इतनी डायमेंशन है, तो ये एक क्लस्टर सा है, बहुत मतलब बर्डन सा फील होता है. तो आप क्या सजेशन करेंगे स्टूडेंट्स को, क्या डायमेंशन होनी चाहिए इस पर? यार इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लें और उनको प्रिपेयर कर लें. जी सर, ठीक है. जी सर, नहीं आप क्या करते हैं? इसमें देखें, अभी जैसे एक हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आए दिन नए टॉपिक देखने को मिलते हैं, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हम देख रहे हैं अगर डायमेंशन, तो हर चीज़ वो एक दूसरे के रिलेटेड है, तो ऐसे महसूस होता है कि हर चीज़ पढ़नी चाहिए, हर चीज़ के डेप्थ में जाना चाहिए. फिर जनरल साइंस है तो बायो को देखें, वो हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो मैं मतलब मेरी इंजीनियरिंग है तो बायो वो कभी पढ़ी नहीं है, फिर उसके क्वेश्चन हम देखें तो इतने डिफ़िकल्ट से हैं, तो वो ऐसे महसूस होता है अभी बड़े जरूरी करने भी चाहिए. तो इस हवाले से थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, तो काइंडली अगर आपके जहन में कोई एडवाइस है तो बताएं, गाइड कर दें. हाँ यार, इसमें मैंने जनरल साइंस कैसे किया था कि मैंने पास्ट पेपर्स को एनालाइज किया और मैंने फिर देखा कि कौन से टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, और मैंने फिर ये भी देखा था कि जो लास्ट ईयर जो टॉपिक्स आए थे ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर सेम टॉपिक्स तो नहीं आएंगे, तो वो वाले सारे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए. फिर जो पहले वाले जो मोस्ट रिपीटेड थे उनकी मैंने लिस्ट बना दी, जैसे बायो के मोस्ट रिपीटेड और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो भी थे मोस्ट रिपीटेड थे वो मैंने आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट बना दी और उनको फिर प्रिपेयर कर लिया, तो इस तरह वो हो गया. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारक हो. थैंक यू सर. मेरा क्वेश्चन था एक कि जो एबिलिटी पोर्शन है जनरल साइंस में वो कहाँ से तैयार करना चाहिए, कौन सी बुक से आप रिकमेंड करेंगे, मतलब कौन सी बुक ठीक है? मियां मुहम्मद शफी की है एक मेरे ख्याल से, एक कलीम शायद इस तरह की है, ठीक है? तो काइंडली बता दें कहाँ से तैयार करें. यार उसके लिए मैंने कोई उसके जो एबिलिटी पोर्शन है उसके लिए मैंने कोई उसकी बुक कंसल्ट नहीं की थी, मैंने बस उसके जो पास पेपर्स है ना वो कर लिए थे, और जो उसके एबिलिटी पोर्शन के पास पेपर्स हैं उनको आप पहले खुद अटेम्प्ट करने की ट्राई करें, ठीक है, और जितने भी होते हैं वो करें, और फिर जो आप उनके ना क्वेश्चन को कॉपी करके गूगल के ऊपर पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद आप अपने आंसर को उस आंसर के साथ टैली करें, तो वहां से आपको फिर वो क्लियर होते जाते हैं आराम से. ठीक है, थैंक यू सर. सर एक और क्वेश्चन था सर, इसमें ये कि जो एफपीएससी की वैकेंसी शो हुई थी, वैकेंसी उसमें लिखा था कैरीड ओवर वैकेंसीज, वो कौन सी वैकेंसी होती है? वो यार जो प्रोविंसेस हैं जैसे कि बलूचिस्तान, केपी, ये प्रोविंसेस
इनकी सीट्स जो लास्ट ईयर अगर फिल नहीं हुई तो वो फिर नेक्स्ट ईयर के बच्चों को फिर